बेल्ट का रंग सिर्फ श्रेणी या पद ही नहीं दर्शाता बल्कि हमारी मानसिक और शारीरिक वृद्धि को भी दर्शाता है। अगर हम तुलना करें उन लोगों की जिन लोगों के पास कप यानी कलर बेल्ट और डान यानी ब्लैक बेल्ट है तो ये तुलना साफ दर्शाती है उनके शारीरिक और मानसिक गति के अंतर को। बेल्टों को दो समूहों में रखा गया है, कलर बेल्ट यानी कप या गप और ब्लैक बेल्ट यानी पूम या डान। ताइक्वांडो में कलर बेल्टों को अलग अलग संघों जैसे वर्ल्ड ताइक्वांडो, इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन आदि द्वारा अलग अलग तरह से परिभाषित करा गया है। ITF के ज्यादातर स्कूलों में ये 11 बेल्टें देखने को मिलती हैं। व्हाइट बेल्ट विद येलो स्ट्रिप, येलो बेल्ट विद ग्रीन स्ट्रिप, ग्रीन बेल्ट विद ब्लू स्ट्रिप, ब्लू बेल्ट विद रेड स्ट्रिप, रेड बेल्ट विद ब्लैक स्ट्रिप और ब्लैक बेल्ट। वर्ल्ड ताइक्वांडो में व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, पर्पल बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, हाई ब्राउन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट देखने को मिलती है। और भारत में ज्यादातर जगहों पर व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ग्रीन वन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ब्लू वन बेल्ट, रेड बेल्ट, रेड वन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट देखने को मिलती है। कभी कभी भारत में भी ऑरेंज और ब्राउन बेल्ट कुछ जगहों पर देखने को मिलती है। ब्लैक बेल्ट को भी दो श्रेणियों में बांटा गया है, पहला पूम जो 15 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए और दूसरा डान जो 15 साल या उससे ऊपर के हैं उनके लिए। पूम चार होती है, पहली पूम पर एक सुनहरी पट्टी होती है, दूसरी पर दो, तीसरी पर तीन और चौथी पर चार पट्टी। डान नौ होती है, इसमें भी हर डान पर एक पट्टी बढ़ती जाती है। रंगों के प्रतीकात्मक मतलब सफेद ये वो जगह है जहाँ से सभी की शुरुआत होती है। व्हाइट बेल्ट मासूमियत और अज्ञानता का प्रतीक है, पीला ये सूरज की पहली किरण को दर्शाता है जो बीज पर पड़ती है और उसकी जड़ें विकसित होना शुरू होती हैं। येलो बेल्ट बताती है कि छात्र बुनियादी ज्ञान या ताइक्वांडो का बेसिक समझ चुका है। हरा ये दर्शाता है कि वो बीज अब पौधा बन चुका है। ग्रीन बेल्ट दर्शाती है कि छात्र कुछ नया सीख रहा है और अपने बुनियादी ज्ञान में सुधार कर रहा है। नीला ये आसमान की ऊंचाई को दर्शाता है जिस ऊंचाई तक उस पौधे को बढ़ना है। ब्लू बेल्ट दर्शाती है कि छात्र का बुनियादी ज्ञान और मानसिक वृद्धि अब परिपक्व हो चुके हैं और अब वो उन्नत या एडवांस तकनीक सीखने लगा है। लाल ये सूर्य की गर्मी को दर्शाता है। रेड बेल्ट प्रतीक है खतरे का, चेतावनी है औरों के लिए कि वो झगड़े से दूर रहें। अब छात्र को नियंत्रण का अभ्यास करना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण कलाओं को सीखना भी। ब्लैक बेल्ट ये सूर्य से भी आगे के अंधेरे को दर्शाता है। ब्लैक बेल्ट व्हाइट बेल्ट के विपरीत होता है, अब वो खुद नए बीज बोना शुरू कर देता है। ये अंत से बहुत दूर है, ये शुरुआत है।